दोस्तों, मैं मीनूका आज आपको ज्वेलरी साफ करने की तरीका बताने जा रही हूँ। दोस्तों, ये साफ करने में बहुत ही आसान है। अधिकतर महिलाएं जितनी भी होती है वो ज्वेलरी साफ करने में ठगे जाते हैं। अधिकतर डोर टू डोर आते हैं और बोलते हैं कि मैं आपकी ज्वेलरी साफ कर दूंगी, ऐसे बोल के आते हैं। तो हम लोग लेडीज से क्या हो जाते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। वो लोग बात ऐसे करते हैं कि हम कन्विंस हो जाते हैं और उनकी बातों पे आके हम लोग अपनी ज्वेलरी वगैरह उनको दे देते हैं साफ करने के लिए। और दोस्तों, इसे में हम लोग इसमें ठगी खा जाते हैं और हमारा नुकसान हो जाता है। ये सब लेडीजों की प्रॉब्लम देख के मैं आज आपको अपनी ये ज्वेलरी साफ करने की विधि बताने जा रही हूँ। दोस्तों, ये बहुत आसान है, आप घर में आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इसको करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट चाहिए। इसके लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, ये थोड़ी सी हल्दी है, 1 चम्मच हल्दी है और ये 1 चम्मच सर्फ एक्सल है। आप कोई भी डिटर्जेंट पाउडर ले सकते हैं। और ये थोड़ा सा इसमें ठंडा पानी है ये दोस्तों। और एक ये मैंने एक ये टिफ़िन ली हूँ, इसमें ये इसमें थोड़ा सा आपने गर्म पानी डालना है, इसमें गरम पानी डालने के बाद दोस्तों आपने इसमें 1 चम्मच ये सर्फ एक्सेल डालना है। सर्फ एक्सेल या कोई भी डिटर्जेंट पाउडर हो वो डालना है। और आपने ये थोड़ी सी आधी स्पून आपने ये हल्दी डाल देना है। हल्दी डालने के बाद में इसमें आपकी जितनी भी ज्वेलरी है आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके अंदर डालने के बाद आप अपनी ज्वेलरी को ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट इसको रहने दीजिए। जब इसको 15-10 मिनट रहने देंगे तो दोस्तों ये देखिए, मैंने पहले से इसको ये 15-10 मिनट से पहले इसको मैंने भिंगो के डाल इसमें रख दिए थे, फुलौने के लिए डाल दिए थे। फिर आपके लिए एक ये ब्रश चाहिए। ब्रश को आप इसके ऊपर आपने ये ज्वेलरी दोस्तों आपने ये ज्वेलरी को इसमें डाल देना है और आपने हल्के हल्के हाथ से इसको अच्छे से ऐसे से रब इसी टूथ ब्रश से, जो आपके पास पुराने ब्रश हो या कपड़े धोने के ब्रश हो, जो भी हो उससे आपने ये साफ करने हैं। इसको ऐसे करके आपने पूरे रब कर देने हैं। दोस्तों, ये करने में बहुत आसान है। जब ये आपका ये हो जाए तो आपने ये बाजू में ये ठंडा पानी रखा हुआ है, इसमें आपने ये ठंडे पानी में डाल देना। आप इसमें ज्वेलरी कुछ भी डाल सकते हैं। जो दोस्तों, आप अपने कड़े डाल सकते हैं, आपने हैवी सेट डाल सकते हैं, आप जो भी डाल जो वो है वो आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें आप अपने डायमंड के सेट भी डाल सकते हैं, ना ये काली पड़ती ना कुछ पड़ती। दोस्तों, जब ये हो जाए, ये देखिए, इसमें ऐसे करके ऑटोमेटिक ये शाइनिंग आ जाती है इसमें गोल्ड में। आपको ये टेंशन नहीं होगा कि कहीं सुनार मेरा गोल्ड तो नहीं खा रहा है, ये इस चीज़ से आप निश्चित हो जाओगे। और दोस्तों, ये अंगूठी है, अंगूठी को भी आप अच्छे से साफ कर सकते हैं। जैसे हम लोग लेडीज़ को यहाँ पे भी ये गंदगी वगैरह रहते हैं, इसको आपने बस ज़्यादा नहीं दोस्तों ज्वेलरी को 1-1 मिनट तक आपने रब करना है और इसको यहाँ पर डालते जाना है। दोस्तों, ये देखिए, ऐसे ऐसे करके मैंने ये रिंग वगैरह सब ये अंगूठी वगैरह पूरा साफ कर दी हूँ। ये देखिए देखिए दोस्तों, इसमें कितना शाइनिंग आता है। ये मैंने अपना कान का इसमें खोल के डाली थी दोस्तों। ये देखिए, ये भी कितने अच्छे से साफ हो गया, बहुत अच्छे से साफ हो गया है। बस उसको थोड़ी देर आपको रब करना पड़ता है। और ये दोस्तों, ये गोल्ड है, गले का चैन है, इसको भी आपने इसी में डाल देना है। और इसको आपने ऐसे करके साफ करना है। जब ये साफ हो जाए फिर आपने ये ठंडे पानी में डाल देना है और इसको आपने अच्छे से वॉश करना है अपनी ज्वेलरी को। ये देखिए दोस्तों, आपका ये ज्वेलरी साफ हो गया है। कैसे करके आपने साफ कर देना है। ये देखिए दोस्तों, आपके ये कड़े हो गए साफ। दोस्तों, ये गले का नेकलेस है, गले का सेट है। दोस्तों, ये गले का चेन है। ये देखिए, दोस्तों देखिए, ये अंगूठियां हैं, ये देखिए, इसको मैंने साफ की हूँ। साफ करने में बिल्कुल सिंपल तरीका है, इसमें कोई आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि क्या करना है क्या क्या नहीं करना बोल के। फिर ये कान के दोस्तों, इसमें ये देखिए दोस्तों, ये आप मूंगे के भी धो सकते हैं। ऐसे करके इसमें आप डायमंड के सेट भी कर सकते हैं। डायमंड सेट हो, डायमंड रिंग हो, डायमंड कड़े हो, डायमंड मंगलसूत्र हो, हैवी से हैवी ज्वेलरी भी आप
धो सकते हैं अपने घर में और बड़ी आसानी से धो सकते हैं। दोस्तों ये मेरे एक्सपेरिमेंट है जो मैंने खुद किया है और अपने ऊपर आजमाया है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों को भी शेयर कर दूँ, इसलिए मैंने ये आप लोगों को बता रही हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरा ये ज्वेलरी साफ करने का तरीका अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।